गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके, दिस इज योर न्यू बुक एंड दिस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एंड वील गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक. एंड वॉट इज द चैप्टर? सेंटेंसेस. सेंटेंसेस क्या होते हैं? वॉट डू यू मीन बाय सेंटेंस? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस. जो भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जो वर्ड्स को एक साथ ग्रुप में लिखते हैं उनको सेंटेंस बोलते हैं, और जो एक कंप्लीट सेंस, उसका जो मीनिंगफुल सेंस निकलता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. ओके, हियर एग्जांपल आर गिवन. बॉयज रीड, जैसे बॉयज क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं. गर्ल्स सिंग, गर्ल्स क्या कर रही हैं? गाना गा रही है. चिल्ड्रन प्ले, चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. बसेज रन, बस क्या कर रही है? रन. ऐसे करके ये एग्जाम्पल्स है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. वी यूज़ वर्ड्स टू एक्सप्रेस आर थाट्स. हम लोग क्या करते हैं? वर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे थाट्स को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे विचार को व्यक्त करने के लिए. द वर्ड्स मस्ट बी पुट टूगैदर इन अ प्रॉपर ऑर्डर, अदरवाइज दे मे नॉट मेक सेंस. अगर वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखा जाए तो वो एक कंप्लीट सेंस या प्रॉपर सेंस नहीं बनाते हैं. रीड दीज वर्ड्स, लव चिल्ड्रन, फ्लावर मस्ट. ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं, क्योंकि इसका कोई भी सेंस नहीं निकल रहा, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा. दीज वर्ड्स आर मीनिंगफुल बट डू दे मेक गुड सेंस? नो, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है. लेट अस चेंज द ऑर्डर ऑफ दीज वर्ड्स एंड सी द रिजल्ट. इसका ऑर्डर चेंज करते हैं. मोस्ट चिल्ड्रन लव फ्लावर. अब इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को फ्लावर्स पसंद होते हैं. ओके, दिस ग्रुप ऑफ वर्ड नाउ मेक्स कंप्लीट सेंस बिकॉज द वर्ड्स इन इट अपीयर्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर. क्योंकि इनको प्रॉपर ऑर्डर में हम लोगों ने अरेंज किया है. ओके, अ सेंटेंस शुड हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. लुक एट द फॉलोइंग. सबसे पहला जो है सब्जेक्ट, और नेक्स्ट क्या है? वर्ब है. ओके, सब्जेक्ट क्या है? बॉय, और वर्ब क्या है? रीड. सब्जेक्ट गर्ल, वर्ब सिंग, एंड सो ऑन. ऑल ऑफ दीज आर सेंटेंस. द फर्स्ट वर्ड इन ईच ऑफ दी सेंटेंस इज द सब्जेक्ट. फर्स्ट वर्ड जो होता है वो सब्जेक्ट होता है. द सेकेंड वर्ड इज द वर्ब, और सेकेंड वर्ड जो होता है वो वर्ब होता है. दस अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसी प्रकार उस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं. ओके, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर? नाउ वील रीड. देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज. दे आर असर्टिव और डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस. फाइव टाइप्स के सेंटेंस होते हैं. फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. States a fact or an opinion. It is otherwise called a statement. इसके अंदर कोई भी statement के तौर पर जैसे बताया जाए तो उसको क्या कहते हैं? Declarative sentence. It can be either affirmative or negative. ये affirmative भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. It ends with a full stop. ये sentence क्या होता है? Full stop पे end हो जाता है. For example, my mother sent me sweets. ये कौन सा है? Affirmative. Full stop पे end हुआ है. My sister does not like sweet. ये नेगेटिव हो गया कि आपकी सिस्टर को स्वीट पसंद नहीं है. एन अफर्मेटिव सेंटेंस अफ्रेम्स वेयर एज अ नेगेटिव सेंटेंस नेगेट्स अ सेंटेंस. नेगेटिविटी बताते हैं और इसमें अफर्मेटिव में अफ्रेम्स के बारे में बताते हैं. ओके, नाउ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस अ क्वेश्चन. इसके अंदर क्वेश्चन फॉर्म में आपको ये पूछा जाता है अबाउट समवन और समथिंग. इट कैन बी why question और yes no question. मतलब why, what, ऐसे question के form में ये होता है. For example, why are you late today? ये question के form में है. Do you love music? ये भी question के form में. इसमें आपको question पूछा जाता है. Okay, an imperative sentence make a request or gives an order or advice. इसके अंदर आप request कर सकते हो या आप order दे सकते हो या आप किसी को advice दे सकते हो. इस form में ये सेंटेंस बनते हैं. इट आस्क समवन टू डू समथिंग. या तो आप किसी को कुछ करने के लिए बोल सकते हो. द सब्जेक्ट ऑफ एन इम्परेटिव सेंटेंस इज यू, ईदर स्टेटेड और अंडरस्टूड. फॉर एग्जाम्पल, स्टैंड अप. आप किसी को बोल रहे हो स्टैंड अप, आप ऑर्डर दे रहे हो. कीप क्वाइट. आप बोल रहे हो कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए आप बोल रहे हो. डू नॉट प्ले इन द सन. आप क्या बोल रहे हो? उसको मना कर रहे हो कि डू नॉट प्ले इन द सन. कॉल द फायर ब्रिगेड. आप उसको फिर से बोल रहे हो कॉल द फायर ब्रिगेड. इसमें आप ऑर्डर दे सकते हो.
या भी आपको मैंने बताया था, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एडवाइस दे सकते हो. ओके, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन. इसमें आप अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हो, इमोशंस बता सकते हो. इट एंड्स विद द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन साइन. ये सबको पता है, ये एक्सक्लेमेशन साइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर. ये वॉट अ ब्यूटिफुल फ्लावर तो एक्सक्लेमेशन साइन यूज हुआ. हाउ हॉट अ डे इज इट इज, फिर एक्सक्लेमेशन साइन. ओके, एंड ऑपरेटिव सेंटेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और प्रेयर. इसके अंदर आप अपनी विश या अपनी प्रेयर को व्यक्त कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, मे यू ऑल सक्सीडेड, ये विश है आप जो, मे यू ऑल सक्सीडेड. नेक्स्ट, लॉन्ग लिव द प्रेसिडेंट, विश. मे गॉड ब्लेस यू, या प्रेयर कर रहे हो, विश कर रहे हो, इसके अंदर प्रेयर और विश कर सकते हो. नाउ हेयर इज अ एक्सरसाइज. फर्स्ट ए पार्ट, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ ईच सेंटेंस एंड राइट इट काइंड्स इन द गिवन स्पेस. रीड योर लेसन केयरफुली. ये कौन सा सेंटेंस है? डिक्लेरेटिव, ब्रैकेट में लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. सेकेंड, वॉट मेक्स यू सो सैड, ये कौन सा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हरीश डज नॉट लव पोएट्री, ये कौन सा है? डिक्लेरेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ब्यूटी लाइज इन द आइज नॉट इन थिंग्स, इंप्रमेटिव सेंटेंस. हैव यू हैड योर लंच, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. हाउ प्लीजेंट द वेदर इज, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ये देखो आप यहाँ पे साइन देख सकते हो. ओके, थर्ड वन, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दीज टेपोल्स आर वेरी टाइनी. हाउ टाइनी आर दीज टेपोल्स, एक्सक्लेमेशन साइन. द रोटन मीट हैज स्टार्टेड स्टिकिंग. ओ नो, द रोटन मीट हैज स्टार्टेड स्टिकिंग. ओके, इट इज़ डेंजरस टू प्ले विथ फायर क्रैकर्स. हाउ डेंजरस इट इज़ टू प्ले विथ क्रैकर्स. द रेनबो लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. वाओ, द रेनबो लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल. यू आर रियली काइंड एंड जीनियस. Really, how kind and genius you are. She made an attractive doll. What a attractive doll she made. C part, change the following sentence into assertive. What a beautiful sight. A beautiful sight. If only I had been there, I had been there. How foolish I have been. I have been very foolish. Who does not know Harry Potter? Everyone know Harry Potter. Has he had his dinner? He has his dinner. Do we have anything to fall back on? He have something to fall back upon. Now D part, change the following sentence into interrogative. I wrote him a letter. Did you write a letter? Question in question form. Sarita did not tell a lie. Did Sarita tell a lie? They are painting the wall. What are they doing? Her father got her admitted to a new school. Did her father get her admitted to a new school? Question mark. The gardener will allow him to pluck flower. Will the gardener allow him to pluck flower? A double L O W. Allow him to pluck flower. Sixth one, he speaks English fluently. Does he speaks English good English? इसमें आप लिखेंगे good English. Okay. Now last and E part. Change the following affirmative sentence into negative. Gauri is a student of class 6th. Gauri is not a student of class 6th. Second, you have had your breakfast. You have not had your breakfast. He has been reading since 6 p.m. He has not been reading since 6 p.m. I will be having laugh at that time. I will not be having laugh at that time.
He obeys his parents. He does not obey his parents. Sita loves reading stories. Sita does not loves reading stories. Okay, now today we have completed this chapter explanation and exercise also. This you have to fill only in your textbook. ये आपको आपकी book में ही fill करना है ये पूरा book part. Okay, now after today's homework is in your notebook. And what is the homework? You have to do this question in your notebook. Chapter number 1 of English grammar, sentences. Write the definition of sentence. Answer is a group of words which makes complete sense is called a sentence. Question number 2, how many kinds of sentences are there? There are 5 kinds of sentences. Declarative or assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence and opposite. Optative sentence. This is your homework. This you have to do it in your notebook. Okay? Thank you, students.